कई हीरोइनें आती हैं और ऐसे चली भी जाती हैं दो तीन साल पाँच साल के बाद बट मैं इतना लंबा चल जाऊंगी ये मुझे ख़ुद को नहीं पता था कि मुझे लोग घूरते क्यों हैं अब मैं समझ नहीं पा रही थी फिर एक दिन किसी ने मेरे आसपास घूमते हुए ना ऐसी बात की कि अरे वो एक फ़िल्म आई है ना सबसरा बड़ा पैसा वाला उसकी हीरोइन बड़ी अच्छी है ना तो एक स्ट्रगल होता है काम पाने का स्ट्रगल और एक स्ट्रगल होता है काम पाने के बाद अपने आप को साबित करने का स्ट्रगल तो मैंने जो स्ट्रगल किया है वो अपने आप को साबित करने का स्ट्रगल किया भोजपुरी की कि किसी फिल्म का कहीं पर डिस्कशन सुना है आपने कि ये बहुत बढ़िया फिल्म आई इसको देखना चाहिए नहीं सुना ना आपने क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना हमारे जो इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स हैं उनको चलेगा कि एक ऐसे सिंगर को लेकर आओ फिल्म करने के लिए जिसको एक्टिंग का ए नहीं आता उसके पीछे वो लोग अपना दिमाग खपाएंगे लेकिन एक सीखे हुए एक्टर को वो लोग चांस नहीं देना चाहते ये प्रॉब्लम प्रोड्यूसर्स की है मेरी मम्मी ने कहा कि तुमको हीरो नहीं तुमको सब्जेक्ट जिसका हीरो हो ना वो फिल्म तुम्हें करनी चाहिए हमारे इंडस्ट्री के कुछ लोग जो हैं जो सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी करना चाहते हैं और बेतुकी की जो जो हीरोज़ ने मुझे फिल्म से हटाया

तो मम्मी को था कि वैसे भी कौन देखेगा ये पिक्चर किसको पता भी नहीं चलेगा यूपी बिहार में रिलीज होगी तो होगी मुंबई में घर वालों को थोड़ी पता चलेगा ये माइंड सेट के साथ हमने हामी भर दी थी नाम? मेरा असली नाम है सभीहा शेख टोटल डिफरेंट टोटल डिफरेंट टोटल डिफरेंट ये नाम आया कहा मैंने बहुत बार शेयर किया है पर मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी हुआ ये था कि मैं बहुत कम एज में आ, मुझे फिल्म मिल गई थी वो ऐसे ही मिल गई थी बस आ, एक बहुत बहुत नामी एक्टर हैं के के गोस्वामी जी मैं अक्सर उनका नाम लेती हूँ जी हाँ आ, उनसे हमारा फैमिली रिलेशन था मैं उनकी शूटिंग पे जाया करती थी मैं एक स्कूल स्टूडेंट थी तो उन्होंने किसी दिन एक डायरेक्टर को बोल दिया कि एक लड़की है उसको कोई रोल दे दो बड़ी क्यूट है बड़ी प्यारी बच्ची है तो उन्होंने कहा ठीक है भेज देना तो इनो you know, के के जी ने मम्मी को कहा कि इसको मिला दो और जब मैं मिली तो मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे कोई रोल देने वाले हैं और क्या देने वाले हैं बट उन्होंने फाइनली मुझे एज अ हीरोइन ही ले लिया ससुरा बड़ा पैसा वाला में खैर उन्होंने मुझे टीच किया भोजपुरी मुझे भोजपुरी नहीं आती थी उन्होंने टीच किया बाकायदा मुझे शूटिंग के पहले अट्ठारह बीस दिन उन्होंने कम्प्लीटली टीचिंग दी एक्टिंग की कि कैसे कैसे थोड़ा बहुत जो भी मैंने थोड़ा बहुत जो सीखा उन्हीं से सीखा हमारे डायरेक्टर अजय सिन्हा जी जब हम सेट पे पहुँचे तब तक भी कोई सीन नहीं है ऐसा कि नाम चेंज होने वाला है इनफैक्ट मैं हीरो से भी नहीं मिली थी मनोज तिवारी जी से सिर्फ लोगों ने बताया था कि इज़ अ वेरी पॉपुलर सिंगर इन यूपी बिहार तो उतना ही पता था अब ये था पहला दिन गोरखनाथ मंदिर और था कि वहीं से मोहरत करना है फिल्म का मैं पहुंची मम्मी के साथ रेडी मेकअप वेकअप किया वहीं पे हमको एक रूम uh, दे दिया गया था गोरंद मंदिर में कहीं पीछे कोई कमरा था वहाँ दिया गया था तो हम बैठे हुए थे uh, सात बजे हम गए थे मुझे याद है ग्यारह बज गया बारह बज गया एक बजा और फिर कुछ अजय सिन्हा जी जो हैं हमारे डायरेक्टर वो आए एंड ही इज़ लाइक एकदम पसीने में एकदम पसीने से लथपथ एकदम आए और मैं और मम्मी बैठे थे कहा कि uh, यहाँ बहुत भीड़ हो गई है शॉट लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है बिकॉज मनोज तिवारी इज़ वेरी पॉपुलर दैट टाइम और मुझे एक शॉट लेना मीडिया भी बहुत आई है प्रिंट मीडिया का ज़माना था वो तो मीडिया भी बहुत आई है तो यहाँ पे ना अपना नाम तुम बताना मत मुझे एक शॉट लेना है भोलेनाथ जी के सामने हो सकता है नाम की वजह से वो नहीं लेने देंगे वो शॉट तो मम्मी ने कहा फिर कोई पूछेगा तो नाम क्या बताना है फिल्म में मेरा कैरेक्टर था रानी तो उन्होंने सडनली कहा कि फ़िलहाल रानी बोल दो तो हमने कहा ओके मैं गई मीडिया मिली मुझे सबने पूछा रानी 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 कहाँ वो एक दिन निकल गया और वो पेपर में छप भी छप भी गया कि रानी 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 लाइक देन सेकेंड डे प्रोड्यूसर को कोई मिल गया जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे सुधाकर पांडे जी उनसे किसी ने पूछ लिया मंदिर में ही कोई पत्रकार थे कि देखिए हम मनोज तिवारी जी के बारे में तो सब सबको पता है वो कहाँ से हैं क्या किया लेकिन आपकी हीरोइन के बारे में नहीं पता है क्या वो नॉर्थ से हैं किधर से हैं उनका पूरा नाम क्या है फलाना ढिमकाना तो वो फंस गए उसमें और उन्होंने बोल दिया कि दैट टाइम रानी मुखर्जी बिग स्टार तो उन्होंने कहा ये रानी चैटर्जी है <laughs> <laughs> और मुझे कुछ पता नहीं है मुझे आते हैं और मैं शॉट दे रही हूँ मैं तो बहुत छोटी थी मैं ज़्यादा तो बात भी नहीं करती थी मैं तभी तो टेंथ स्टैंडर्ड में थी मेरे बोर्ड एग्जाम्स भी अच्छा। नहीं हुए थे यस और मैं बड़ी हाइट लंबी वंबी थी मैं Uh, मेरे बोर्ड एग्जाम भी मैंने दिए नहीं थे तभी तो आए बोले आज, तु, आज तुम आज तुम्हारा ना नामकरण कर दिया गया है बोला क्या सर <laughs> बॉलीवुड में रानी मुखर्जी हमारी भोजपुरी में रानी चैटल जी हमने भी इत, मैंने मम्मी ने ऐसे ही कह सर अच्छा ये था तो ऐसे नाम चेंज हुए कभी ये नहीं दिमाग में है कि कोई बंगाली पत्रकार आ गया क्योंकि बहुत बार, बार हुआ है क्योंकि उनका क्या होता है वो आपस में शुरू हो जाते हैं बंगला। बहुत बार हुआ है इनफैक्ट मुझे बंगाल इंडस्ट्री से कई बार आ, 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 साड़ी के एड्स या फिर आ, फिल्मों के ऑफर्स आते रहते हैं वहाँ से देन स्टार्ट वो स्टार्ट ही करते हैं वह, हेलो के बाद से स्टार्ट ही करते हैं जब मैं कहती हूँ कि सॉरी अब मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती यार किसी को तो मैंने कहा कि देखिए मैं मुंबई में पली बढ़ी मुझे बंगाली नहीं आती है अरे तो बहुत बुरी बात है आपको तो आनी चाहिए मगर बस नहीं आ रहा सॉरी तो इस वजह से कभी कहीं फंसे तो नहीं आप नहीं कभी नहीं एक्चुअली जब फिल्म आई ना जब फिल्म आई तो इतना आइडिया नहीं था कि ये नाम क्या होता है कि कई हीरोइने आती हैं और ऐसे चली भी जाती हैं दो तीन साल पाँच साल के बाद बट मैं इतना लंबा चल जाऊंगी ये मुझे ख़ुद को नहीं पता था जब फिल्म रिलीज़ हुई तो डायरेक्टर ने स्क्रीन पे सिर्फ रानी नाम दिया उन्होंने कहा नहीं मैं चैटर्जी दूंगा नहीं क्योंकि मैंने रानी नाम दे दिया था और मुझे लगता है कि हर जगह छप गई हो तुम शूटिंग के दौरान ही रानी 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 और गोरखनाथ मंदिर में मिला है तो रानी नाम मैं तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन चैटर जी मैंने नहीं दिया तो उन्होंने मेरी पहली फिल्म में जब मेरा नाम दिया तो सिर्फ रानी दिया लेकिन जब मेरी सेकेंड फिल्म आई तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मानने को तैयार नहीं अपनी मर्जी से रानी चैटर्जी मैंने कहा ठीक है तब भी मुझे था कि कहाँ इतना पता चलेगा बट देखिए डेस्टिनी होती है एक्चुअली नाम इतना पॉपुलर हो गया तो इंसान अपने नाम के लिए जो है वो बहुत पॉजिटिव भी होता है कि यार नाम चेंज नहीं होना चाहिए मुझे मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसा मौका दिया जाता ऑप्शन दिया जाता कि आप अपना नाम चेंज करिए तो मुझे नहीं लगता कि मैं तब भी इतना अच्छा नाम रख पाती है अपना अच्छा बचपन से ही एक्टर ही बनना था या बाई चांस हुआ ये बाई चांस हुआ ऐसा नहीं मैं हूँ मुंबई से आए मैं मुंबई कर बॉर्न बॉटम मुंबई कर मतलब वो सॉलिड वाली मुंबई कर हाँ. मेरे पापा दादा सब पूरा ख़ानदान यहीं के हैं सो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक्टर बनूंगी लेकिन हाँ मैं बचपन से डांस करना जानती थी मुझे माधुरी दीक्षित हमेशा से पसंद रही और टेंथ स्टैंडर्ड में इंसान क्या ही सोचता है कि वो क्या करने वाला है तो कैसे फिल्म मिली फिर पहली मैं के के गोस्वामी जी की शूटिंग पे जाती रहती थी बिकॉज फैमिली फ्रेंड्स वो शौकिया शौकिया जाते थे जाती थी शूटिंग 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 देखेंगे जैसे, देखें देखें। आपकी देखने देखने बच्चे आते यस मैं मैंने आ, मैंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों की भी शूटिंग देखी है लाइक like, मैं प्रेम की दीवानी हूँ ऋतिक रोशन की बहुत बड़ी हाँ। फैन रही तो मैं ऐसे ना महबूब स्टूडियो पर कहीं कहीं जाती रहती थी और के के जी के सेट पर तो मैं अक्सर जाती थी तो वहीं से कनेक्शन हुआ और सडनली के जी ने मेरा नाम दे दिया फिल्म मिल गई वो फिल्म सुपरहिट हो गई तो इट्स इट्स कॉल्ड डेस्टिनी नाम चेंज हो गया एवरीथिंग डेस्टिनी है ये सब कुछ मेरे साथ पेपर दी? नहीं दी है एक्चुअली हुआ ये कि नवंबर में जब दिवाली की छुट्टी होती है 2003 हुँ. उस वक्त हम शूटिंग के लिए गए और जब मैं आई वापस तो टेंथ के बोर्ड एग्जाम आई थिंक जनवरी या फेब में थे हुँ. तो जब मैं वापस आई तब तक स्कूल में बहुत ये बात फैल चुकी थी कि ये शूटिंग पर गई है और ये हीरोइन बनने वाली है तो मैं स्कूल गई तो माहौल जो था वो क्लासरूम का या टीचर्स का लाइक ऐसे कि क्या होता है शूटिंग पे ऐसा वैसा फिर प्रिंसिपल ने मुझे दिन बुलाया दो तीन दिन के बाद कहा कि बेटा टेंथ है और बोर्ड है तो तुम ना प्राइवेट कर लो क्योंकि बच्चे वाकई के पढ़ नहीं रहे और टीचर्स पढ़ा नहीं रहे तो मैंने कहा ठीक है उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं किया जाने का फिर मैं गई नहीं तो मैंने पढ़ाई पूरी की है पूर, हाँ पूरा पूरी मतलब जो बड़े स्टार्स होते हैं उनका यही है

जब फिल्म बहुत चलने लगी तो मैं तो मुंबई में थी मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरी फिल्म चल पड़ी है प्रमोशंस वगैरह के लिए मुझे बुलाया गया तो मैं गई मनोज जी और हमने बहुत प्रमोशन किया तो जब मैं प्रमोशन में गई तब मुझे पता चला कि मेरी फिल्म हिट हो गई है अच्छा यस और लोग भी मुझे चिल्लाते थे रानी ईरानी ईरानी तो मतलब आप रिलीज के बाद प्रमोशन कर रहे थे या और मुझे ऐसा था कि यूपी बिहार में ही फिल्म चल गई है वहीं की फिल्म है भोजपुरी वहीं लोग देखते हैं लेकिन जब मैं मुंबई आई और मैं मुंबई में जब मैं लोकल ट्रेन से सफ़र करती या कुछ तो लोग मुझे पहचानते थे इनफैक्ट मुझे तो अरे मुझे तो स्टार्ट में तो मुझे बहुत डर लगता था क्यों? मैं आ, मुझे याद है कि मैं एक बार ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी अंधेरी जा रही थी मैं तभी मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मैं तो दो तीन लड़कियां मुझे बहुत घुरे जा रही थी ट्रेन में तो मैं बहुत डर गई कि मुझे क्यों घूर रहे हैं लोग हर जगह मुझे लोग घूरते क्यों हैं अब मैं समझ नहीं पा रही थी फिर एक दिन किसी ने मेरे आसपास घूमते हुए ना ऐसी बात की कि अरे वो एक फिल्म आई है ना ससरा बड़ा पैसा वाला उसकी हीरोइन बड़ी अच्छी है ना तो मैं उसे सुन रही थी क्योंकि वो सब जान के मुझे सुना रहे थे कि मेरा कुछ रिएक्शन अच्छा, है देन आई रियलाइज कि ओ यहाँ भी लोग मुझे जानते हैं क्या तो स्टार्टिंग तो मुझे बहुत डर लगने लगा था कि मुझे लोग घूरते क्यों हैं बट बाद में धीरे धीरे पता चला बहुत अच्छा लगा मुझे Uh, मतलब uh, मुझे ज़्यादा तो मेरी मॉम को बहुत खुशी हुई, हुई क्योंकि मेरी मॉम ने फैमिली uh, में बोल के मुझे ले गई थी कि नहीं नहीं ये बहुत बड़ी स्टार बनेगी मैं इसको लेके जा रही हूँ शूटिंग पे तो उनके लिए एक बहुत चैलेंज था की बेसिकली आपको या, बना या ये तो यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स और नो डाउट आज भी देखिए आज भी आज भी मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे मॉम मेरे साथ रहते हैं वो तो शूटिंग हो इंटरव्यू हो डबिंग हो मुहूर्त हो

तुम्हें ये नहीं करना है या तुम्हें यहाँ नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊँगी तो पहली फिल्म से ही कामयाबी मिल गई स्ट्रगल मुझे लगता है हुआ ही नहीं 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 देखिए क्या होता है जैसे आई रियलाइज दैट टाइम क्योंकि बहुत कम एज में जब मैं आई तो ये सुपर स्टार, स्टार स्टार सुपरहिट फ्लॉप ये सब मुझे पता नहीं था।, नहीं था तो एक स्ट्रगल होता है काम पाने का स्ट्रगल और एक स्ट्रगल होता है काम पाने के बाद अपने आप को साबित करने का स्ट्रगल तो मैंने जो स्ट्रगल किया है वो अपने आप को साबित करने का स्ट्रगल किया क्योंकि काम तो आ गया आसानी से उसके लिए कोई जंतुजहेज करनी नहीं पड़ी फिल्म भी हिट हो गई उसके बाद क्या उसके बाद जब मैं इंडस्ट्री में जब फिल्म फिल्म चल पड़ी है तो एक साल तो हम लोग ने प्रमोशन ही किया उसका क्योंकि तभी भोजपुरी इंडस्ट्री जैसा कुछ था नहीं इतना जब मुझे सेकंड फिल्म ऑफर हुई या जब मुझे और फिल्मों के ऑफ़र्स होने लगे दैट आई रियलाइज़ कि पॉलिटिक्स uh, बहुत ज़्यादा है इधर यहाँ पे पॉलिटिक्स किस तरह की कि सब अपनी मनचाही हीरोइन ही फिल्म में रखना चाहते हैं वो हीरो हो वो प्रोड्यूसर हो डायरेक्टर हो सबको है कि उनकी मनचाही हीरोइन ही हो और मैं किसी की मनचाही थी नहीं ऐसा क्यों? बिकॉज आई एम वेरी न्यू और uh, uh, जिसकी साथ उसकी माँ ट्वेंटी फोर आवर्स घूम रही हो हुँ. उसके आसपास आ ही कौन सकता है <laughs> <laughs> मतलब चांस नहीं था उनके पास लाइन मारने नहीं का नहीं या कुछ भी, भी बोलिए का, ये यही वर्ड यही ये, ये, ये वर्ड आपको यही ये, ये वर्ड सही है सो मैं किसी की मनचाही थी नहीं तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत फिल्मों से हटाया भी गया और मुझे समझ नहीं आता था मुझे क्यों हटाया गया कई बार ये बोल के हटाया गया कि हीरोइन जैसी नहीं दिखती है कई बार ये बोल के हटाया गया कि डांस नहीं आता है तो एक दिन आया जब मेरी मॉम का तो नो डाउट बहुत सपोर्ट रहा और मैं तभी समझ नहीं पाती थी मुझे होता था कि अरे यार मुझे फिल्म में मुझे फिल्म से हटा दिया क्यों हटा दिया क्यों हटा दिया ऐसे में रोती थी तो एक दिन मम्मी ने कहा हाँ कि देखो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी तो फिल्म का हीरो बड़ा हीरो ही हो तुम्हें अगर कोई को फिल्म आती है तुम तो मना कर देती हो जिसमें बड़ा हीरो नहीं है क्योंकि देखी दिखाई चीज़ों पे ही मैं चलती थी एक डेढ़ साल तो मेरा करियर वैसा ही रहा ससुरा के बाद कि बड़ा हीरो होगा तो ही करूँगी क्योंकि ऐसा सुनने को मिलता था कि बड़े हीरो के साथ ही आप दिखोगे वरना आप नहीं दिखोगे तो आप बड़े हीरो का मतलब आपके लिए मनुष्य तिवारी जी थे रवि किशन तभी थे दो ही थे ऑलमोस्ट अच्छा तो, तब तक पवन सिंह खेसारी की एंट्री तब तक एंट्री नहीं हुई थी तो मेरे लिए था कि इनके साथ फिल्में मुझे पहले करनी चाहिए कहीं मैं एकदम ऐसी फिल्म की वजह से इनके साथ की फिल्में ना छूट जाए बिकॉज ऑफ डेट्स तो ऐसे होता था कि मैं वो फिल्में नहीं करती थी और ये लोग मुझे फिल्मों से हटा देते थे दोनों तरफ से दोनों दोनों तरफ से ये सेस मैं एकदम बैठी रहती थी अब सोचिए ससुराल बड़ा पैसा वाला इट्स अ हिस्ट्रिकल फिल्म 65 वीक्स चलने वाली एक लौटी फिल्म भोजपुरी की उसकी हीरोइन जो घर बैठी रहती थी आपकी मम्मी ने ये बात आपसे कब कही थी कितना टाइम पहले कही थी कि तुम बड़ा हीरो ही मत देखो ये 2006 या 2005 के एंड की बात सोच है सोचिए लगभग 18 साल पहले और आज दो तीन साल से जो हम देख रहे हैं अब जाके से सब कर रही है हाँ। वो मुझे अच्छा लगता है हाँ। आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी टोटली वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट पे आके रुक गई है तो आई फील प्राउड कि चलो मैंने जो किया है जो मैं मैं करती है या वो सब कर रहे हैं तो 2005 की जब बात मम्मी ने मुझे कहा कि तुमको एक्टिंग का शौक़ है तो तुमको उस फिल्म में भी एक्टिंग करनी है तुमको इस फिल्म में भी एक्टिंग करनी है तो मैंने कहा ठीक है तब मेरी मम्मी ने कहा मेरी मम्मी ने कहा कि तुमको हीरो नहीं तुमको सब्जेक्ट जिसका हीरो हो ना वो फिल्म तुम्हें करनी चाहिए देन आई स्टार्ट जब मुझे कोई ऐसी फिल्म आती थी जिसमें हीरो नया होता था डायरेक्टर नया होता था लेकिन मैं सुनती थी कि मेरा रोल कैसा है तो मैं जब करती गई करती गई और सडनली 2008 में मुझे एक ऐसी फिल्म ऑफर हुई जो मैं नहीं करना चाहती थी मतलब मैं डर रही थी करने से जितनी भी फिल्में थी वो हीरो बेस्ड फिल्में ही थी लेकिन उसमें मैं मुझे होता था कि नहीं हीरो तो है ना हीरो कोई है लेकिन एक फिल्म आई मेरे पास जिसमें हीरो का काम ही नहीं था सिर्फ हीरोइन का ही काम था क्योंकि लड़कियां ऐसे एक्ट्रेसेस ऐसे रोल सुनकर बहुत खुश होती हैं लेकिन वो जो एक हर लड़की को मुझे लगता है कि जब इंडस्ट्री में आती है न्यू कमर तो उनको ही कहा जाता है कि तुम्हें बड़े हीरोज़ के साथ दिखना चाहिए तुम्हें बड़े बैनर के साथ दिखना चाहिए तभी तुम दिखोगी तो यही एक चीज़ मेरे अंदर भी दिमाग में थी कि मुझे हीरो के साथ ही दिखना है मतलब मैं फ़ीमेल ऑरिएटेड तो सोच ही नहीं सकती तो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने बहुत कोशिश की बहुत चक्कर काटे मेरी मम्मी के पास मेरी मम्मी एंड में आगे बोलती है तुम क्यों नहीं करती तो मैंने मम्मी को कहा देखिए मम्मी फीमेल ऑरिएटेड फिल्म है नहीं चलेगी ना पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा मेरा और यहाँ पे कोई फीमेल ऑरिएटेड दिखता नहीं है तो मम्मी ने कहा ये तुम कैसे बोल सकती हो कि कोई, कोई देखता नहीं है जब आएगी तब देखेंगे ना लोग मेरे ख्याल से तो तुमको ये फिल्म करनी चाहिए मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी है और फिर मैंने वो फिल्म की वो फिल्म मैंने की उस फिल्म का नाम था छुटके दुल्हन एंड मुझे मेरा पहला बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड ई टी वी से उसी फिल्म के लिए मिला था और वहाँ से जो मेरी कहानी है एक्चुअली रानी चैटर्जी की जो कहानी है वो वहीं से पलटी है और उसके बाद तो फिर मैंने उसके बाद तो जो कॉन्फिडेंस लेवल आया है ना कि भाई कहानी पे काम करो भाड़ में गए सारे लोग उसके बाद से लेके अभी तक अगर मैं इंडस्ट्री में हूँ आप मेरे साथ बात कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फीमेल ऑरिएंटेड सब्जेक्ट दैट्स इट मुझे लगता है मम्मी आपकी विजनरी नहीं yes, मतलब उन्होंने yes, वो yes, चीज तब yes. हाँ पी जब शायद हिंदी बॉलीवुड वाले सिनेमा में भी उस तरह की फिल्म बनती थी कम बनती या मेरी मॉम मुझे हमेशा ही बहुत अच्छी एडवाइस की है इसलिए शायद जब मैं किसी बात को लेके परेशान होती हूँ तो मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ और वो मुझे जो कहती मैं वही करती हूँ उन्होंने उन्होंने जो जो फिल्में मुझसे छुड़वाई वो फिल्म फ्लॉप हो रही और जो जो फिल्में मुझसे करवाई वो फिल्में सुपर हिट बम्पर हिट ब्लॉक बस्टर हिट रही तो, तो मुझे लगता है मॉम ने ने सोचा मम्मी मम्मी ने सोचा प्रोड्यूसर बनने का लेकिन काम इतना ज़्यादा है एक्टिंग का जो काम चल रहा है फिलहाल वो इतना ज़्यादा है कि मैं अपने प्रोडक्शन हाउस को वक्त नहीं दे पाऊँगी इसी वजह से मैं नहीं कर रही हूँ और ये मैंने सोचा है मैंने सोचा है कि जब मैं एक्टिंग नहीं कर रही होंगी ना तब मैं प्रोडक्शन हाउस खोलूँगी अच्छा आपने जो भोजपुरी सिनेमा के एक वो स्टार्स मनोज तिवारी और रवि किशन का एक दौर रहा आपने उनके साथ काम किया फिर पवन सिंह खेसारी वाला दौर आया आपने वहाँ भी काम किया अब अब जो अभी स्टार शायद आपके कंपैरिजन में उनका स्टारडम कुछ नहीं है आप उनके साथ भी काम कर रहे हैं डिफरेंस क्या है इन तीनों दौर जो मतलब कहूँ तो हालांकि पवन सिंह की शैली तो भी, भी चल रही है देखिए एक डिफरेंस एक तो बहुत कॉमन चीज है कि दे आर ऑल सिंगर्स ओके ये बहुत कॉमन है और डिफरेंट डिफरेंस ये है कि जो अभी के एक्टर आए हैं जो जो सिंगर्स नहीं हैं जो अभी के एक्टर आए हैं अभी अभी के बहुत अच्छे मंजे हुए एक्टर आए हैं इंडस्ट्री में बाकी जो सिंगर्स हैं वो तो बेचारे मेहनत करते ही हैं मंजे किसे मानते हैं मतलब आप आपके हिसाब से <coughs> एक तो रवि किशन जी तो थे ही पहले से ही अभी में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर आए हैं जैसे अभी मैंने एक फिल्म की जया यादव करके एक एक्टर हैं ही इज़ वेरी जैसे आप कह सकते हैं गंभीर actor. हाँ गंभीर एक्टर हैं और अंशुमन झाँ करके आए हैं एंड आई थिंक एक आध दो ही हैं क्योंकि अभी तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा फिल्में भोजपुरी की कर नहीं रही हूँ yeah. लेकिन हम बाकी जितने भी हैं मैक्सिमम सिंगर्स भी हैं बट मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको एक्टिंग नहीं आती बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं आती मैं ये नहीं कहूँगी जो नए एक्ट जो नए सिंगर्स आए हैं दे वो वर्क हार्ड वर्क कर रहे हैं उस पर एक वजह क्या है कि जो सिंगर्स हैं जैसे मान लीजिए पवन सिंह हो गए उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है और जो जैसे आपने एक्टर्स का नाम लिया एक्टिंग में अच्छे हैं बट कहीं ना कहीं वो पॉपुलैरिटी नहीं क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना हमारे जो इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स हैं उनको उनको चलेगा कि एक ऐसे सिंगर को लेकर आओ फिल्म करने के लिए जिसको एक्टिंग का ए नहीं आता उसके पीछे वो लोग अपना दिमाग खपाएंगे लेकिन एक सीखे हुए एक्टर को वो लोग चांस नहीं देना चाहते ये प्रॉब्लम प्रोड्यूसर्स की है और प्रॉब्लम क्यों है कि ऑडियंस उनकी फिल्म देखने जाती है जिनको वो थोड़ा पहचानती है पहचानती। समझ रहे हैं आप यूपी बिहार में हमारे जो सिंगर्स हैं पॉपुलर तो उनके ही प्यार में वो लोग फिल्म देखने चले जाएंगे एक तो सबसे बड़ी दुविधा ये है ना कि फिल्म भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और एल्बम इंडस्ट्री दो अलग इंडस्ट्री हैं लेकिन ये सिंगर्स की ही फिल्में आती हैं और सिंगर्स के ही गाने आते हैं इस वजह से लोगों को लगता है कि द ऑल इज़ वन नो नो नहीं नहीं फिल्म इंडस्ट्री अलग है और आज देखिए आज जितने भी फिल्में बन रही हैं ना सबके सब हाईएस्ट ई आर ला रही हैं उसमें से कोई सिंगर की फिल्म नहीं है उसमें सब फीमेल ओरिएंटेड फिल्म हैं मतलब ऑडियंस का भी टेस्ट अभी बदल गया है क्योंकि माशाल्लाह एल्बम इंडस्ट्री में बहुत तहलके मचे हुए हैं तो देख डायम फिल्म इंडस्ट्री ना हो सो यू नो उस वजह से भी कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री उतनी पॉपुलर नहीं हो पा रही पॉपुलैरिटी नहीं कहूँगा उतनी सक्सेस उसको या उतनी रिस्पेक्ट उसको नहीं मिल पारे? कैसे होगा कैसे होगा अभी जैसे जैसे मैं अपने अगर अपनी बात करूँ कि 20 साल मैंने यहाँ गुजारे और जहाँ भी मैं जाती हूँ ना मुझे बहुत इज्जत मिलती है और ऐसी कोई जगह नहीं है इंडिया में जहाँ मैं जाती हूँ और मुझे लोग पहचानते नहीं हैं इट्स मीन्स मैंने अपना जो पिछला बीस साल है वो मैंने बहुत अच्छे से काम करके गुजारा है राइट और जब ये एल्बम इंडस्ट्री के लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सारे एक ही जैसे होंगे और हमारे काम को लेके कभी आपने सुना है एज अ पत्रकार आप जब किसी का इंटरव्यू करते हैं या भोजपुरी इंडस्ट्री भोजपुरी की किसी फिल्म का कहीं पर डिस्कशन सुना है आपने कभी? कि ये बहुत बढ़िया फिल्म आई इसको देखना चाहिए नहीं सुना ना आपने इसका रीज़न ही ये है कि हमारे इंडस्ट्री के कुछ लोग जो हैं जो सिर्फ कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं और बेतुकी कंट्रोवर्सी काम की तो कोई चर्चा ही नहीं होती है मेरी कोई फिल्म आएगी ना तब पक्का चर्चा होगी कि रानी की फिल्म आई वो फिल्म बहुत अच्छी है बट बाकियों की नहीं होती लेकिन एक एक इंसान कितना ही कर सकता है इनफैक्ट जितनी भी अभी फिल्में आ रही हैं भोजपुरी की सब बहुत अच्छा काम कर रही बहुत अच्छा नाम कर रही हैं लेकिन उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है चर्चा किसकी हो रही है आप यूट्यूब खोलिए के तो, ये, के तो ये तो ये तो ये तो दुविधा है या ये तो दुविधा है और इसके लिए मुझे लगता है कि जित जितना जितने जिम्मेदार हमारे वो कॉन्ट्रोवर्शियल एक्टर्स हैं उतने ही ज़िम्मेदार हमारी मीडिया भी है अगर वो कॉन्ट्रोवर्सीज दिखाती हैं दिखाइए बिल्कुल दिखाइए कौन क्या कर रहा है दिखाइए लेकिन कोई फिल्म चल जाती है कोई बढ़िया फ़िल्म चलती है तो आप उसका भी तो रिव्यू दीजिए ना आप उसको तक पहुँचाइए आपकी अपनी भाषा है ये मैं कहना चाहूँगी आपकी अपनी भाषा है आप ऐसा कैसे कर सकते हो तो ये मेरा मानना है एक्चुअली अच्छा थोड़ा इस कंट्रोवर्सी से बाहर आ जाते हैं आपको जिंदगी में पहली बार प्यार कब हुआ था अरे यार ये तो याद भी सबसे पहले नहीं वो भूल गया मुझे अच्छा मुझे नहीं, लगता है कि आ, क्रश मैं बता सकती हूँ। क्योंकि आ, मुझे क्रश और प्यार का डिफरेंस अभी तक समझ नहीं आया है अभी तक समझ नहीं आया है मुझे पहली बार ना किसी लड़के को देख के ऐसे कुछ फील हुआ था दिस शाहिद कपूर इश्क वेख में अच्छा। तभी मैं स्कूल में थी तो कि ओ आई लव शाहिद कपूर वो तो वो वाला शाहिद कपूर तो बहुत लड़कियों को पसंद था रियल में मुझे प्यार कब हुआ था यार हुआ था कभी तो एक बार हुआ था एक ही बार हुआ नहीं ऐसे मुझे लगता है ना कि मुझे हमेशा प्यार होता रहता है मैं कभी बिना प्यार के रही नहीं हूं मुझे ऐसा फील होता है कोई ना क्रेजी फैन मिला बहुत मिलते हैं तो कोई है। किस्सा है कि जिसने मतलब से लव लेटर लिख दिया या तो लेटर्स के 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 तो आए हैं एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एक मीटिंग के लिए गई और एक कोरियोग्राफर ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था मैं उनसे मिली ऑफिस में और उन्होंने कहा कि मैं यहीं जा रहा हूँ तो मैंने कहा मैं मुझे भी वहीं कहीं जाना है मुझे छोड़ दीजिए तो कहा कि ठीक है ठीक है चलिए चलिए तो जैसे ही मैंने गाड़ी खोली ना मैं आगे बैठी वो ड्राइविंग सीट पर बैठे पीछे एक लड़का आगे बैठ गया ठीक है मैंने उसे देखा अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि शायद इनके साथ है अब उनके दिमाग में चल रहा है कि इनके साथ है एंड हम लोग निकल गए ठीक है हम लोग बातें कर रहे हैं है, है कि नहीं है कि हाँ। हाँ। वो भी हाँ। 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 चल रहा है अच्छा उसके बाद आई रियलाइज़ कि ये बिल्कुल उससे बात नहीं कर रहे कोरियोग्राफर जो हैं तो मैंने ऐसे इशारे में पूछा कि ये कौन है आपका तो ऐसे देख रहे हैं हाँ हाँ ऐसा गाड़ी रोका क्या 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 पूछा मैंने बोला ये कौन है आपका ये मेरे साथ ही आपके साथ है <laughs> मैंने कहा नो मेरे साथ नहीं है आपके साथ है ना पूछो पूछो कौन है अब वो पूछे कि भाई साहब आप कौन है इनका फैन बोलते <laughs> तो, तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आप हैं कौन आप गाड़ी में क्यों बैठे बोलते मैडम चल रही थी मैडम को देखते देखते हम बैठ गए तो बोले भाई साहब आपने देख लिया ना मैडम को अभी आप उतर जाइए तो क्यों आप चलिए ना जहाँ जा रही हैं हम सब चलेंगे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप निकल तो मेरा भाई साहब आप उतर जाइए ना मैं ही उतरने वाली हूँ आप मिल लिए ना तभी फ़ोटोज़ का ज़माना था इधर वो मोबाइल वोबाइल आई थिंक दो की कुछ बात होगी एंड वो उतरा और हम दोनों जो हंसे हैं तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं फ्लाइट्स में बहुत होते हैं फ़्लाइट्स में मुझे हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है

हेडलाइंस क्योंकि आ, सितारे जो होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है सबको जानना है आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है इसमें किसी को दिलचस्पी नहीं, नहीं होगी लेकिन फलाने स्टार की जिंदगी में क्या चल रहा है इसमें सबको दिलचस्पी होगी वो भले ही झूठ भी न्यूज चल रही हो तो भी लोगों को बहुत मजे लेके लोग तो देखते हैं। हुआ कि मतलब कुछ था नहीं या कुछ चीज थी नहीं आपने देखा नहीं देखिए मैं मैं कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं रही Uh, हो सकता है कि uh, मेरी फैमिली uh, बैकग्राउंड uh, या फैमिली वाले इस तरह से उन्होंने कंट्रोल की चीज़ें एक एक बार एक कंट्रोवर्सी हुई थी पवन जी के साथ में uh, वो भी क्या हुआ था कि मुझे जान से मारने की धमकी आ रही थी और जो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था उसने नाम लिया पवन सिंह का और जब पवन सिंह का नाम आया तो पुलिस उलिस सब ढूंढने लगी कि भी पकड़ के लाओ या पूछताछ करो सारी चीज़ें तो वो एक बहुत बड़ा बवाल हो गया पूरी मीडिया कवरेज सारी चीज़ें बहुत चीज़ें हुई लेकिन उस आदमी को पकड़ा गया और उसको सज़ा भी मिली तो जब वो कंट्रोवर्सी हुई तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि आप कितना भी सच के साथ खड़े रहो और बोलो ना तो लोग ये समझते हैं कि आप पब्लिसिटी स्टंड कर रहे हो मैंने एक चीज़ उस दौरान फील की थी कि आर्टिस्ट कुछ भी करे एक एक्ट्रेस कुछ भी करे पब्लिसिटी स्टंट है तो उसके बाद से मैंने ऐसी कोई नौबत नहीं आने दी जिंदगी में कि मुझे मीडिया के सामने आके न्याय मांगना पड़े या फिर मुझे कोर्ट कचहरी जाके न्याय मांगना पड़े क्योंकि पब्लिसिटी स्टंट ये जो मेरे दिमाग में बैठ गया ना कि कल को भी अगर मैं कुछ जैसे आज भी ऐसे कुछ चीज़ें हो रही हैं तो मैं कभी कभी अपना ओपिनियन देती हूँ तो दे आर राइट ऑन माई इंस्टाग्राम कि ओहो अभी कुछ काम नहीं है तो अभी इसका सपोर्ट कर रही है उसका सपोर्ट वो कर रही तो है जब, तो आजकल आप कुछ स्टांट भी इससे क्या होता है ना कि जो सही में लोग जो बोलने वाले होते हैं जो शरीफ लोग होते हैं ना वो शांत हो जाते हैं फिर बिल्कुल तो फिर वही हुआ तो एक कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद से भी जिंदगी में कभी मैं हमेशा अपने काम के लिए जाने गई और मैंने इतना काम किया इंडस्ट्री में मैंने हर उस इंसान को दिखाया कि से तुमने कहा था ना नहीं चलेगी डांस नहीं आता है इसको कौन देखेगा लो पूरी दुनिया देख रही है तो मैंने इस वे में अपना काम किया जो जो हीरोज ने मुझे फिल्म से हटाया एक ऐसा भी टाइम मैंने लाया कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक फिल्म कर लो ना मेरे साथ अच्छा या कौन बताएंगे भी <laughs> कंट्रोवर्सी हो जाएगी एक फिल्म थी जिसको मैं करने से मना कर रही थी फिल्म का नाम था अंधा कानून आज मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ ये बात एक एक फिल्म थी रवि सिन्हा जी की फिल्म थी मनोज तिवारी जी थे उसमें और मैं फिल्म साइन करके जैसे घर लौटी तो सर ने कहा कि हीरोइन चेंज करने के लिए बोला गया है तो मैंने चेक रिटर्न किया था ये एक इंसिडेंट हुआ था दो तो में कट टू आते हैं हम दो में 2011 में एक फिल्म आई मेरे पास मैं सेट पे थी शूट कर रही थी फिल्म सिटी में और वैनिटी वैन में डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर जब बैठे हुए थे और मैं फिल्म नहीं करना चाहती थी सिर्फ इसलिए मैं वैनिटी वैन में जा ही नहीं रही थी तो मेरी मॉम आई कि तुम्हें नहीं करनी है फिल्म ओके मिल तो लो कहा ओके मैं गई तो मैंने कहा हाँ सर बताइए तो अंधा कानून फिल्म थी जो रिलीज़ भी हो चुकी है उसमें इंस्पेक्टर का रोल था मेरा कहा मैम कर लीजिए अब कमाल रोल है ये है वो है तो मैंने कहा मेरा भाई का रोल बहुत स्ट्रांग है कौन कर रहा है वो तो हिसेट मनोज तिवारी जी गॉट मनोज जी कर रहे हैं वो साइन कर चुके हैं पिक्चर बोलते है, वो तो बहुत खुश हैं आपके साथ फंग करने के लिए मैंने कहा मैं फिल्म करूँगी भाई बने मेरे पक्का करूँगी <laughs> 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 तो ये चीज़ें ऐसी बात हुई हैं अच्छा कभी डर लगा कि ये जो कामयाबी है जो स्टारडम है कहीं एक दिन नहीं रहा नहीं मुझे इस बात का कोई डर नहीं है क्योंकि आ, आप जैसे मुझसे बात कर रहे हैं आपको ये फील नहीं हो रहा होगा कि मुझे किसी चीज़ की बहुत हैबिट होगी स्टार डन like लाइक दैट no. नो मुझे कोई डर नहीं है बिकॉज मेरी जो परवरिश की गई है मेरी माँ ने या मेरे परिवार ने यह हमेशा बताया है कि एक वक्त आएगा जब आपको घर संभालना होगा एक वक्त आता है लड़की की लाइफ में तो ये सब जो है जब तक कर रहे हो करो लेकिन एक वक्त आएगा जब आपको एज अ गर्ल अपने घर को कमांड देनी पड़ेगी મેને આપ માં બનોગે આપકે સાસસુર હોંગે તો એક વો એક માઇન્ડસેટ ઓલરેડી ચલ રહા હે ઓલરેડી ਉਸ માઇન્ડસેટ મે હું ઓર સ્ટારડમ કે પીછે મે કભી નહીં भागी મેસી વિતના ચાહતી થી કી લોગ મુજે ના અચ્છી આર્ટિસ્ટ કે તરહ યાદ કરે ઓર ઉતના મેને કામ કર દિયા હે કી લોગ મુજે એક અચ્છે આર્ટિસ્ટ કે તરહ યાદ કરેંગે ઓર જો અચ્છા આર્ટિસ્ટ હોતા હે ના

और सेट पे हम लोग सेट पे हम आप लोग सेट का टूर कराएं मेरा एक नया शो आ रहा है हाँ। नज़ारा टीवी पे हाँ? बेटी हमारी अनमोल आप प्लीज़ उसके सेट पे आइएगा और एनी टाइम एनी टाइम आप जब भी आना चाहें आप मुझे कॉल कर लीजिएगा पार्ट हम इसका करते हैं बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू